रिकॉर्डिंग ऑन। ओम परिद्या वा पृथिवी सद्यः इत्वा परिलोकान परिदिशः परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विततं विचित्य तत् अपश्यत् तत् अभवत् तत् आसीत्। मंत्रार्थ परि सब ओर द्यावा पृथ्वी द्यावा तथा पृथ्वी सद्य निरं शीघ्र इत्वा प्राप्त होकर परि सब ओर लोकान लोकों को परि सब ओर दिशः दिशाओं को परि सब ओर स्वः ऐश्वर्य सृजन को ऋतस्य ऋत का तंतुम तंतु को विततम विस्तृत विचरित विशेष प्रकाशित कर तत् उसने अपश्यत देखा तत् वह अभवत् वह तत् वह आसीत था। भावार्थ सबसे परे जाकर जब ऋत के तंतु को प्रकाशित कर विस्तृत किया तो उसने देखा वह हो गया वह था। इतने सुंदर ढंग से ब्रह्म को पाने का वर्णन है, वास्तव में अभिभूत करने वाला मनोहारी वर्णन है। परमात्मा को पाने के लिए सबसे परे जाना होगा। ऋत अर्थात सृष्टि मूल संचालन विधान तथा नियमों के तंतुओं को प्रकाशित करना होगा, अर्थात जानना समझना होगा, उन तंतुओं का विस्तार करना होगा, अपनाना होगा, लोगों को भी उस प्रकाश का लाभ देना होगा। इसके पश्चात उस परम सत्य परमात्मा को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उसको देखने के पश्चात तो वह स्वयं भी वही हो गया जो मूल रूप में वह था, अर्थात परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। धातु आदि निरुक्त परि उपसर्ग द्यावा पृथ्वी द्यू आगे जाना समीप जाना द्युत दीप्त होना प्रकाशित होना पृथु विस्तार होना फेंकना उड़ाना भेजना प्रेरणा करना सद्य अव्यय इत्वा ई जाना लोकान लोक देखना बोलना दिशः दिश दिशा देना निरूपण करना संकेत देना स्वः सु उपसर्ग रि गति करना सु ऐश्वर्य होना सजन करना सु प्रेरणा करना ऋतस्य रि जाना चलना संचालित करना तंतुम तन विस्तार करना वर्णन करना शब्द करना आश्रय देना विततम वि उपसर्ग तन विस्तार करना शब्द करना आश्रय देना विचित वि उपसर्ग चित प्रकाशित करना एकत्र करना तत् सर्वनाम अपश्यत पश्य देखना अभवत उपसर्ग भू होना आसीत अस होना। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र द्वादशा 12वां मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम परिद्यावा पृथ्वी सद्यैत्वा परिलोकान परिदिशः परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विततं विचरत्ते तत् अपश्यत् तत् अभवत् तद् आसीत्। यजुर्वेद का ये 32वां अध्याय अति सुंदर काव्य के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। विषय अति गंभीर है। परमात्मा उस परमेश्वर के मूल स्वरूप को जानने समझने का इतना गंभीर विषय
इतने सुंदर काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इयम् वेदस्य वेदिता, मनीषी ने कहा है यही तो वेद का वेदत्व है, यही तो वेद की वेदता है। इयम् वेदस्य वेदिता, जो कहीं संभव ना हो वो इस वेद में संभव हो जाता। परिद्यावा पृथ्वी सद्यायित्वा, द्यावा पृथ्वी से परे जाकर, सद्या तत्काल, हित्वा जाकर, ई धातु का अर्थ जाना। इस द्यावा पृथ्वी से परे जाकर, पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि जो भी है उससे परे चले जाइए, क्योंकि तो हमें जानना पाना है उस परमेश्वर को, उसका मूल शुद्ध स्वरूप इस सृष्टि से परे है। यह भी सत्य है, वह सर्वव्यापी है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यह भी सत्य है, और जो उसका मूल शुद्ध चेतन दिव्य स्वरूप है वह संपूर्ण सृष्टि से परे है। यह भी सत्य है। कह रहे हैं यदि उस शुद्ध चेतन दिव्य परमेश्वर को प्राप्त करना है तो परिद्यावा पृथ्वी सद्यायित्वा, तो क्या करें, तत्काल अभी इस द्यावा पृथ्वी से परे चलेगा। पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि जो कुछ भी है आप उससे परे चले जाए, इस सृष्टि में उलझे रहेंगे, इस सांसारिकता में उलझे रहेंगे तो परमेश्वर कैसे मिलेगा, एक और होना होगा, इस सृष्टि के माया जाल से परे हो जाए, इस दृश्य अनुभूत जगत से परे हो जाए। परिलोकान, परिदिशा, परिस्व, परिलोकान, इन लोकों से परे हो जाए, परिदिशा, इन सभी दिशाओं से परे हो जाए, परिस्वाहा, स्वाहा, यह भी उसी सु धातु से ही है, जो भी सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, जो भी सृजन है, इसे यूं ही कह लें, इस पूरे संदर्भ को देखते हुए स्वा में सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का अर्थ निहित है धातु अर्थ के अनुसार। परंतु पूरे संदर्भ को देखते हुए हमारा मन तो यही कह रहा है कि हम यही कहें, ये जो भी सृजन है, जो भी सृष्टि है उससे परे हो जाएं, क्योंकि तो जब तक इससे परे नहीं होंगे तब तक उसके निकट नहीं होंगे, एक तरफ होना होगा, एक साथ दोनों नहीं सह सकते। व्यवहारिक रूप से रहेंगे, इस संसार को छोड़कर तो उसकी साधना नहीं कर सकते, इस शरीर को त्याग कर तो उसकी साधना नहीं कर सकते, उसे पाना है तो शरीर ही साधन है, और सांसारिक जीवन यापन के संसाधन भी चाहिए, परंतु इसके मोहजाल से परे हो जाए, बस जीवन के लिए आवश्यक साधन तक ठीक है, उससे अधिक हम इस माया जाल में नहीं उलझे हैं, ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो। तो जब अपनी ऊर्जा को, चेतना को इससे बचा लेंगे तब तो उसमें लगा पाएंगे, भाव इतना सा है। जीवन यापन के लिए भोजन आदि जो न्यूनतम आवश्यकता है वो तो रहेगी, और अधिक कि लोग उससे बचकर निकल जाए। त्याग पूर्वक भोग करें, लोभ लालच से परे हो जाएं, तो क्या करें, ऋतस्य तंतुम विततम विचरते, जो इस रत का तंतु है, इस द्यावा पृथ्वी के विस्तार से परे हो जाएं, और जो रतस्य तंतुम
इस रथ का तंतु है, इस रथ का विस्तार है। विततम इस विस्तार को विचरत प्रकाशित करें, इस सांसारिकता से परे होकर इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने वाले जो मौलिक मूलभूत सृष्टि के नियम हैं, उनको समझने का प्रयास करें। ऋतस्य तंतुम विततम विचरत। तंतु का अर्थ धातु अर्थ विस्तार होगा, सूत्र धागा भी कहलाता है। यद्यपि एक प्रकार से योग रूढ़ अर्थ होगा, धागा थोड़ा सा होता है और वो फैलता चला जाता है, बहुत आकार उसका बढ़ता चला जाता है, आप जिससे चले जाइए। तो इस विस्तार को कहा गया, जो ये सृष्टि के संचालन नियम है, ऋत है, इसका विस्तार अनंत है। तंतु शब्द का अर्थ विस्तार ही है, ऋतस तंतु ऋत के विस्तार को विततम विचरत विस्तृत और प्रकाशमान करके उसे समझिए। क्या करेंगे जब ऐसा हम कर लेंगे, जब इस सृष्टि के संचालन नियम को, ऋत को, उसके विस्तार को जान समझ लेंगे, उसको प्रकाशित कर लेंगे। प्रकाशित करने का अर्थ स्पष्ट है, उसको जानना समझना अनुभव करना। जब ऋत को हम प्रकाशित कर लेंगे अपने भीतर, अपनी चेतना में, अपने बुद्धि विवेक में, उस ऋत को प्रकाशित कर लेंगे, उस ऋत को समझ लेंगे, तब क्या होगा, इतना सुंदर काव्य क्या कह रहे हैं देखें। फिर होगा क्या, तब अपश्यत उसको देखा, शब्द साथ तत् वह उसको अपश्यत देखा। द्यावा पृथ्वी के विस्तार इस सृष्टि से परे हो गए और उस ऋत के विस्तार को प्रकाशित कर लिया, तो हुआ क्या, तत् अपश्यत उसको देखा, तत् अभवत वह हो गया। तो तत् आसीत वह था, हो क्या गया, उसको पाने के, वो हो जाने के तीन स्तर बताए। जब ऋत का प्रकाश हो जाएगा तभी तो वो समझ में आएगा, इतना तो ठीक है। तब होगा क्या, तत् अपश्यत उस दिव्य स्वरूप को देखा। पहले तो हम उसको देख पाए, फिर क्या हुआ, तत् अभवत वह हो गया। जब उसको देख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो फिर हम कहां आए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब उसको देखा, उसको पा लिया, उस सिद्ध दिव्य चेतन स्वरूप परमेश्वर को देख लिया, साक्षात हो गया, तो फिर क्या शेष रहा, तत् अभवत, फिर तो वही हो गया, अपना अस्तित्व समाप्त, फिर तो परमेश्वर ही परमेश्वर शेष रहा, हमारा अस्तित्व वही समाप्त हो गया, विलीन हो गया। क्यों, तत् आसीत वही था, यह सत्य है कि सृष्टि में मूल रूप में तो वह परमेश्वर ही था। यह सृष्टि जो भी कह लीजिए उसी का सृजन है, उसमें हम भी हैं, द्यावा पृथ्वी के रूप में अनंत विस्तार है, उनमें अति सूक्ष्म हम भी हैं, लेकिन मूलता तो वही था, वही हो गया है, उसको देख लिया तो पुनः वही हो गया, क्योंकि वही था और कुछ था ही नहीं। इतना सुंदर काव्यमय वर्णन, इतनी सरलता से इतने गंभीर दर्शन को समझा देना वेद के अतिरिक्त और कहां मिलेगा। मेरा मन कर रहा है इतना निवेदन दोहरा दें कि जब आप वेद से जुड़ जाते हैं तो किसी और की आवश्यकता नहीं रह जाती।
न कोई ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, न कोई दर्शन, न कोई पुराण, न कोई और कर्म कांड साधना उपासना की कोई विधि प्रविधि, सब छूट जाता है। वही कह रहा है द्यावा से पृथ्वी तक इस संपूर्ण सृष्टि के जाल को छोड़ दीजिए, केवल उस ऋत को समझ लीजिए तो आप उसे पा जाएंगे। उसको पाना है तो उस ऋत को प्रकाशित करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। जब ऋत का प्रकाश आप पा लेंगे तो वह आपके समक्ष प्रत्यक्ष होगा। तद अपश्यत, उसको देखा, तद अभूत, वह हो गया, तद आसीत, क्योंकि वही था और कुछ था ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। ये अवस्था हमें प्राप्त हो गई। किस सुंदर, इतने उत्तम संदेश के साथ आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार रखने हो रख सकते हैं। बताएं, जिसको जो भी कहना हो बोले, चर्चा चलती रहे, विराम नहीं होना चाहिए। वो स्वामी जी, क्या रित को समझने के लिए वेदों को पढ़ना जरूरी है? मुझे लगता है यह मार्ग सुगम है, सरल है हमारे लिए। यदि किसी के पास और कोई मार्ग हो तो हो, हम नहीं कह सकते। हम ऐसा क्यों कहें, यदि किसी को लगता हो तो लगे। अब तक हम जो जान समझ पाए हैं, मुझे इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं दिखा। इसमें ही कहा, नान्या पंथा विद्यते अयनाये, इससे परे, इससे अतिरिक्त, इससे अन्य और कोई मार्ग नहीं है। हाँ, शिवानी जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सादर नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं जुड़ने की प्रयास करती हूँ, पर कई बार मंत्र की व्याख्या थोड़ी कठिन होती है तो समझ में नहीं आता। आप जैसे आज सुगम था तो बिल्कुल समझ में आ गया, तो इसका भी कोई उपाय है क्या? कोई ऐसा, कई मंत्र समझ में नहीं आते हैं। उसके लिए मुझे मतलब कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जी, इसके लिए मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा जिससे मुझे ये आसानी से सुगमता से समझ आ जाए? जी निश्चित रूप से, यदि कुछ पुस्तकें आप देख लेंगे, जिसे आपके पास बताएं, कुछ पुस्तकें हमारी हैं, वेदायन, सरल संस्कृत व्याकरण आदि कुछ है या नहीं है ये बताएं। जी स्वामी जी, है तो सही, पर उसमें क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है? अपने आप से पढ़ने से समझ में आ जाएगा उन पुस्तकों से? उसमें भी क्या धातु याद करनी पड़ेंगी, सभी धातुएं? संस्कृत की पुस्तक है, उसमें धातु रूप जो है वो सारे क्या याद करने पड़ेंगे? भैया मुझे भी नहीं है तो आपको क्यों करने पड़ेंगे, मैं क्यों कहूँ? समझ में आई बात? ये रटना तो हमें ही नहीं आया, कभी हम आपसे क्यों कहें? प्राथमिक कक्षा से हमारी यही कह सकते हैं, ये माना गया कि रटना हमें नहीं आया, हम प्राथमिक कक्षा से ही रट नहीं पाए कुछ। ये गुण था या दोष था नहीं पता, लेकिन वो आज तक है। हमसे शब्द रूप धातु रूप कभी याद नहीं हुए, कभी मैं रट नहीं पाया, समझ गए? हमें कोई शब्द रूप धातु रूप रटा हुआ नहीं है। तो निश्चित रहें, हमारे प्रणाली में कुछ भी आपको रटना नहीं है, समझना है। पुस्तक लेकर बैठें और उसका उपयोग करें संदर्भ ग्रंथ के रूप में। जैसे शब्दकोश आपके पास होता है, शब्दकोश रटा नहीं जाता, जो शब्द देखना होता है उस समय देख लिया जाता है,
फिर शब्दकोश रख दिया जाता, फिर कोई शब्द देखना होगा हम देख लेंगे, देखते देखते बहुत से शब्द हमारे ध्यान में आ जाएंगे, फिर उसे पुनः नहीं देखना पड़ेगा। हम इस प्रणाली से कार्य करते हैं। इतने दिनों के अभ्यास में बहुत कुछ हमारी स्मृति में आ गया होगा, कथित रूप से कंठस्थ हो गया होगा, मैंने किया कभी नहीं। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं मैंने किया कभी नहीं। तो हमारी, मैं अपनी पुस्तक की बात कर रहा हूं, बाकी जो पुस्तकें हैं उनमें तो रटने की प्रणाली बहुत अधिक है। यदि हमारी पुस्तक आपके पास है तो सरल संस्कृत व्याकरणों को एक बार केवल आप पढ़ जाइए, बस पढ़ जाने से आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि इस पुस्तक में कहां पर क्या है, क्या देखना हो तो वहां पर जाकर आप देख ले, बस रटना नहीं है। तो सरल संस्कृत व्याकरण आपके पास हो, यहाँ जैसे धातुएं बताई जाती हैं, धातुआदि कोश आपके पास हो, हमारा वैदिक शब्दकोश भी है वो हो, तो कोई शब्द सीधे आपने उसमें देख लिया और भी सरल हो गया। उसके उचित सामग्री केवल इतनी है, सरल संस्कृत व्याकरण, धातुवादि कोश और शब्दकोश। एक और पुस्तक हम आपको देंगे, वेदार्थ प्रकाश, वेद का अर्थ कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या बातें आवश्यक हैं, वो सब कुछ आपको इस वेदार्थ प्रकाश पुस्तक में मिलेगी। ये पुस्तकें आपके पास हो तो आपको सुविधा होगी, एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा एक अनुभव हो जाएगा कि इसमें कहाँ क्या है, और उसको देखकर आप उपयोग कर पाएंगे। रटना नहीं है, मैं पुनः कह दूं, पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, एक बार आप उसे पलट लीजिए तो इतना अनुभव हो जाए किस पुस्तक में कहाँ पर क्या है। तो अभी भी मैं कार्य करता हूँ तो पुस्तकों से ही कार्य करता हूँ, ये पुस्तकें ना हो तो मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक है किसी के लिए भी, ये कहें पुस्तकों से सब कुछ हो जाता तो फिर अध्यापक की क्या आवश्यकता होगी। तो लिखते समय हमने बहुत प्रयास किया है कि पुस्तक से आपकी बात पूरी हो जाए, पढ़ाने के लिए हम ना हो तो बड़ी बात बन जाए, फिर भी यदि उसमें कहीं कोई समस्या लगती है तो अभी तो हम उपलब्ध हैं। वेद कक्षा इसीलिए है, जो समझ में ना आए वो यहाँ पूछिए, भाई वेद कक्षा का यही तो उद्देश्य है, पुस्तक में पढ़ें, जो समझ में ना आए वो यहाँ पूछें, और भी वीडियो पढ़े हैं उनको देखें, कुछ समझ में आएगा, न समझ में आए तो वेद कक्षा में खुलकर प्रश्न करें कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, हम उसको पुनः और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, और ये क्रम चलता रहे, हम आपको बताएंगे और आप ऐसे ही दूसरों को बताएंगे, ये क्रम चलता रहना चाहिए, यही इस कक्षा का उद्देश्य है। ओ सभी को नमस्ते जी, प्रणाम। गुरु जी, जब तक जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा है जैसे मैं हूं ना, जब तक परमात्मा तत्व का ठीक ठीक मुझे नहीं होता या जीवात्मा को नहीं होता, तब तक परमात्मा के साथ में एकीकार नहीं होता। और परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान जब जीवात्मा को होता है तो वो परमात्मा के साथ में एक एक हो जाती है या एक रूप हो जाती है। तो जो जो ज्ञान हमको परमात्मा का नहीं है, तो ये मायावाद में तो बोलते हैं कि माया के कारण नहीं है या अज्ञानता के कारण है, कोई भी कारण रहा हो, तो गुरु जी जब एकीकार का ये मतलब है कि मतलब तात्विक दृष्टि से तत्व से भी हम एक ही हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे, जैसे कि बूंद अगर सागर में मिल गई तो वो बूंद भी H2O हो गई और सागर भी H2O है। आपने ठीक कहा, और जो मंत्र आज हम लोगों ने पढ़ा लगभग यही संदेश दे रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मंत्र का संदेश भी हमें कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, कोई दूसरा विद्वान कुछ और भावार्थ निकालना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे कुछ ऐसा ही संदेश इससे ग्रहण हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पानी हेते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। जल था हिम हो गया, पिघल कर पुनः जल हो गया,
उसको क्या कहा जाए, बूंद समाली समुद्र में सो कत हेरी जाए। समुद्र से एक बूंद आपने निकाला तो ये बूंद पृथक है और समुद्र पृथक है, दोनों का पृथक अस्तित्व है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, बूंद भी और समुद्र भी, और वही बूंद वापस समुद्र में गिर गई। तो बूंद समाने समुद्र में सोकत हेरी जाए, तो अब उस समुद्र से आप अनेक बूंदे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उस बूंद को दोबारा खोज कर लाना ये तो संभव नहीं है कि वही वाली बूंद हम पुनः खोज लाएं। तो ये बात बहुत कुछ हमें इन मंत्रों से मिलती जुलती लगती है। कहने वालों का अपना तरीका हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि यह पंक्तियां जिसने कही वो तो वेदों का विद्वान नहीं था, ये बात ये भी कही जा सकती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस स्तर के साधक तो युगों में होते हैं, कोई बुद्ध हो सकता है, हर कोई तो बुद्ध नहीं हो सकता, तो ये तो बात सत्य है। तो परंतु वेद सबको सुलभ है, वेद का मार्ग निरापद है, शब्द सा अर्थ करते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, सरलता से आप उसे पा लेंगे। अन्यथा वही है कि अगर आपको एक मानचित्र मिल गया है तो सीधे उसे माध्यम से रास्ते से आप चलते चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, अन्यथा आप भटकते भटकते चलते 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 कभी तो पहुंचेंगे ही। तो बिना वेद के आप भटकते रहेंगे, हो सकता है पहुंच भी जाएं, और वेद का सीधा सरल राजमार्ग है, आप चलते जाएंगे तो पहुंचना ही पहुंचना है, बस इतना मुझे लगता है। जैसी जिसकी इच्छा। ओम जी गुरु जी, मुझे ये बात काफी अच्छी समझ में आई, ठीक से। बस मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न समझ लीजिए, मेरे प्रश्न में भाषा की गड़बड़ हो सकती है, पर मेरा भाव समझना कि जैसे डायमंड जो है ना वो कार्बन है और पानी जो है वो H2O है, ठीक है। तो डायमंड अगर पानी को जान ले, पानी तत्व को जान ले, तो वो पानी में एक रूप से विलय नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक विलय नहीं है, विलय होने से पहले भी जो जीवात्मा है और या आत्मा है और परमात्मा है, दोनों H2O है, मतलब दोनों तत्व की दृष्टि से सेम है, या इसमें भी कुछ गड़बड़, मतलब कुछ और चीज है ये इसमें। देखिए, यही हमने कहा है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि एक दार्शनिक चर्चा का विस्तार ये रविवार की प्रातःकालीन कक्षा का विषय तो है, ये नित्य की वेद मंत्र का नहीं है। हो सकता है कुछ लोग और कुछ कहना भी चाह रहे हों, जैसे अभी शिवानी जी ने कहा कि समझ में आने वाली बात, तो इस मंत्र में यदि कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई शब्द समझ में नहीं आया है, तो नित्य कक्षा में हम लोग उसकी चर्चा करें। और ये दर्शन जो है इसको तो कह सकते हैं ये अनंत है, इसकी जितनी चर्चा करेंगे कभी अंत नहीं होगा। इसको इतना ही समझ लें कि जो द्रव्य है वो ऊर्जा से बना है, और ये जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि आदि, और ये सभी ऊर्जाएं अंततः किसी एक मूल ऊर्जा से बनी हैं। तो जो वो एक फंडामेंटल एनर्जी है, जो मूल ऊर्जा है, वही दिव्य चेतन ऊर्जा है, वही दिव्य चेतना है जो सर्वव्यापी है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं। जैन मत में उसे पुद्गल कहा जाता है, कार्ल मार्क्स उसे मैटर कहता है। शब्द अलग अलग हैं, सब लोग उस एक मूल तत्व की बात करते हैं, सब मानते हैं कि सृष्टि रचना के मूल में कोई एक तत्व है, एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है, कुछ है, वो क्या है, कैसा है, ये दार्शनिक विषय है, अनुमान का, तर्क का विषय है। इसमें कुछ कुछ मतभेद हो सकते हैं विद्वानों, परंतु मूलतः सभी, वो चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, जो नास्तिक कहे जाते या आस्तिक कहे जाने वाले वैदिक दर्शन, सब इस बात को मानते हैं कि इस नाना रूपमय जगत के मूल में कोई एक मूल ऊर्जा है, जो चेतन स्वरूप है,
और उसी को हमें जानना समझना है, उसी से संपूर्ण सृष्टि बनी है, उसी से हम भी बने हैं, उसको जान समझ लेंगे तो संसार के सारे दुख कष्ट क्लेश जंजावात समाप्त हो जाते हैं, सारा तनाव समाप्त हो जाता है, अंततः हम उसके साथ एकाकार हो गए। सांसारिक बातें हमें एक खेल खिलौने जैसा लगने लगता है, बस यही परम सत्य की अनुभूति है। हम यहाँ इतना ही कह सकते हैं और समय हो गया है। किसी और का कोई प्रश्न इस मंत्र के संदर्भ में कुछ जानना समझना हो तो बताएं, अन्यथा हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते। ये विचित्र शब्द को क्या विशेष प्रकार से गतिशील रहना है या विशेष प्रकार से विचरण करना है, ऐसे कुछ आशा में आएगा? प्रकाश करना लिखा हुआ है तो विचरण का अर्थ हो गया विशेष प्रकाश करके, तो उस रित को प्रकाश कर लेना है, रित को प्रकाशित करना है अपने में, अर्थात रस को प्रकाशित हो जाए, रित का प्रकाश हो जाए, रित को जान समझ लिया जाए, तो इसमें तो यही अर्थ किया गया। इसमें चरत धातु है, चर धातु नहीं है। हाँ चर धातु नहीं है, चरत है, विचरत्य जी। और इस चरत का अर्थ ही है प्रकाशित करना। अच्छा, ये चरत प्रकाश के विशेष प्रकाश के आशय में आ रहा है। चरत धातु का अर्थ ही है प्रकाश करना ना, आपके पास ये पुस्तक है? हाँ वेद पुस्तक है ना जी, वेद पुस्तक है, यजुर्वेद की पुस्तक। आपके पास पूरा यजुर्वेद भाष्य है? हाँ 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 हाँ, तो उसमें तो होगा ही भाई, उसी खान से तो आप पढ़ रहे हैं। आपके पास तो संपूर्ण यजुर्वेद भाष्य है, आपके पास तो खजाना है, कोई बात ही नहीं है। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए समस्या हो सकती है, तो आपके पास तो पूरा है। ये देखना होता है कि उसमें धातु क्या है, इसमें चर धातु नहीं है, चरत धातु है, और चरत धातु का अर्थ प्रकाश करना है, तो इसलिए वहां पर प्रकाश का अर्थ हम ग्रहण करेंगे, ये देखना होता है हमको। स्वामी जी, जी बोले स्वामी जी, क्या आप ब्रह्म जीव और प्रकृति तीनों को अलग अलग मानते हैं या फिर एक ही मानते हैं? इन दार्शनिक प्रश्नों पर कोई विचार नहीं रखते, कोई उत्तर नहीं देते, हम क्या मानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वेद को पढ़कर आपको क्या मिला। हम केवल इतना मानते हैं कि आप वेद को पढ़ें, उसमें आपको लगे एक है तो आप एक माने, आपको तीन लगे तो तीन माने, दो लगे तो दो माने, इसमें किसी दूसरे का विचार न सुने, केवल वेद का विचार सुने। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, क्योंकि एक अनंत द्वैतवाद अद्वैतवाद, इस पर हमारे आपके बीच मतभेद हो सकते हैं, फिर भी हम साथ हैं क्योंकि हम वेद को मानते हैं। जी स्वामी जी, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे ही पहले ही बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे विभाग हो चुके हैं, कोई दुर्गा को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई राम को मानता है, बहुत सारे पहले से ही विवाद हो चुके हैं, इसलिए एक वेद मत को मान करके सबको एक साथ रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। हरीश जी कहना चाह रहे हैं तो हरीश जी बोले। हाँ, बात पूरी हो गई स्वामी जी। बात पूरी हो गई गुरु जी। एक्चुअली क्या, मेरा जो बचपन है ना वो शंकर दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन के जो परंपरा के लोग हैं उनके साथ बीता, तो उस समय मैंने बहुत परिश्रम किया था। फिर उसके बाद मैं संपर्क में आया आर्य समाज के संपर्क में आया,
तो धीरे धीरे उनके तर्क मैंने देखे, सब कुछ देखा, लेकिन मैं वेदाध्ययन कर नहीं पाया। जैसे कि आजकल मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मन में ये बड़ी ग्लानि या बहुत बड़ी पीड़ा थी कि मैंने इतनी मेहनत बेकार कर ली, या मुझे कई सारी बातें जो शंकर दर्शन की थी वो बहुत सही लगती थी, मतलब लॉजिकली सही लगती थी, लेकिन बाद में फिर मुझे वो पीड़ा होने लगी। लेकिन आज आपकी ये बात सुनकर के और मेरी वो पीड़ा शांत हुई कि मुख्य ये है कि हम वेद का अध्ययन करें, है ना, और अगर हमको उसमें अद्वैत समझ में आ रहा है, त्रेत समझ में आ रहा है, द्वैत समझ में आ रहा है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो वेद से जो समझ में आ रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, सिद्धांत ये है कि वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं। स्वामी शरण से भूल चूक हो सकती है, वेद से नहीं। हमारे लिए वेद प्रमाण है, मेरी बात प्रमाण नहीं है, वेद की बात प्रमाण है। ये सभी कहते आए हैं वेद ही प्रमाण है, दयानंद ने भी यही बात कही कि वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं। वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। अब कुछ और समाजी ये चूक करते हैं को दयानंद को ही बाबा वाक्य प्रमाणम बना देना चाहते हैं, तो ये हास्यास्पद हो जाता। दयानंद ने हमको यही सिखाया कि वेद वाक्य प्रमाणम चलेगा, बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं चलेगा। अब लोग दयानंद को सामने लाना चाहते हैं, हमारी किसी बात का कुछ नहीं कह। अरे भाई, वो तो अब दयानंद जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा पता नहीं, तुम कितना समझ पाए, तुम दयानंद को समझने लायक हो भी कि नहीं। मतलब हम ऐसे शब्दों में नहीं कहना चाहते हैं किसी को, जब कोई बात करता है तो मेरा प्रयास होता है कि ऐसे शब्दों में ना कहा जाए, लेकिन सामान्य रूप से कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि दयानंद को समझने लायक भी तो हमें होना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता तो होगी तुम दयानंद को समझ सको, और दयानंद को हथियार के रूप में तो हमारे सामने खड़ा करना चाहते हो कि हमारी कोई बात है और तुमको करना है, तो कहीं से कुछ आधी लाइन पता नहीं कहाँ से उठा लाए किस रूप में दयानंद को। तो उसका एक ही उत्तर होता है कि दयानंद जी ने यही सिखाया है, वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। आप वेदमंत खोज कर लाइए, आप मान लेते हैं। अब बेचारे वेदमंत खोज कर कहां से लाए, कभी वेद पढ़ा हो तब तो। स्थिति यह है, वेद तो भाई ने देखा नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है, अब वो वेदमंत खोज के कहां से लाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग स्वतः वेद का स्वाध्याय करें, और जो वेद में हमको मिल जाए हमारे लिए वही सत्य है। अन्य बातों पर मतभेद को लेकर कोई विवाद नहीं, हम सब वेद को मानते हैं, इसलिए वैदिक है और एक है, वेद को मानने वाले सब एक हैं। अन्य विषयों पर मतभेद हो तो बने रहे, कोई समस्या नहीं है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का एक अपना विचार है, मत है, कह सकते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो अब समापन किया जाए, समय तो हो ही गया है पर्याप्त। जी, ओम युवसो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम क्रम ब्रह्म, ओम क्रम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। श्रोता बेटे, दोबारा बोलिए, इसको क्रम नहीं है, खम है। बोलिए दोबारा इसको। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम क्रम ब्रह्म, ओम क्रम ब्रह्म। खम ब्रह्म, खम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम क्रम ब्रह्म, ओम क्रम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। नहीं, खम नहीं, क्रम नहीं, खम 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 का खा खम। हाँ,
जैसे बोलते ना कंकात, वैसे कंका है तो खम ब्रह्म। भैया भैया ये मेरा छोटा है, छोटा है अभी 11 साल का, तो अभी उसे तो बताना पड़ेगा, अभी सीख रहा है। जैसे अपन लोग बारह, जैसे अपन 12 कड़ी में पढ़ते ना कंका, तो वैसे खं खंका खम ब्रह्म ऐसे। शाबाश जी, बहुत प्रसन्नता की बात है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें, वो जैसा पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दें, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। छोटे से बच्चे स्वामी जी, ये तो निश्चय प्रसन्नता की बात है। बच्चे प्रसन्नता की बात, वे सुन करके ही हमें परम आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, कह सकते हैं हम बहुत आनंद हमारे साथ वेद मंत्र पढ़ रहे हैं जी। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। स्वामी जी महाराज आपको भी सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।